ऑडियो जंगल। पिछले कुछ दिनों तो पंजाब के दौरे ते आए दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल वालों लगातार लोगों नाल मीटिंगां दा सिलसिला जारी है। इसे दौरान फरीदकोट के कोटपुरा विखे उन्होंने दौरे नूं लैके बीजेपी वालों विरोध प्रदर्शन किया गया और गो बैक केजरीवाल के नारे लगाए गए। इस मौके केजरीवाल के प्रोग्राम दौरान एक आप वर्कर वालों पत्रकारों नाल बदसलूकी भी की गई और गाली गलोच की। कोटपुरा के एक सीनियर पत्र सरकार दे गल विच हाथ पाया गया ते उसका कैमरा तक भन्नण दी कोशिश भी की गई। आप वर्कर नूं पुलिस ने हिरासत विच लै लिया है, जिस बारे जानकारी दिंदे होए कोटपुरा दे सीनियर पत्रकार जे आर अशोक ने दस्सिया कि वह अपनी खबर लई कवरेज कर रहा सी। आप वर्कर वालों शराब दे नशे विच उन्हां नाल बदतमीजी की गई। इत्थे दसणयोग यह भी है कि केजरीवाल जिथे जिथे भी पहुंच रहे हैं उन्हां दा उत्थे उत्थे ही विरोध हो रहा है ते हर जगह उपर उन्हां दे वर्कर पत्रकारां नाल बदसलूकी कर रहे हैं। जिथे आप वर्करां विच केजरीवाल दे आउण नाल बखलाट होना यकीनी जापदा है। फरीदकोट तो सूरज प्रकाश की रिपोर्ट, जगत सेवक, वैब टीवी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। उन्हां लोकां दा साथ जाके जो केजरीवाल साहब उत्थे दिंदे ने और दूजे पासे पंजाब दी धरती ते आउंदे ने, एक पासे किसान नूं अपने सामने मरदा दिखाउंदे ने, दूजे पासे किसानां दे हमदर्द बणदे ने। इह दोहरी राजनीति हुण नहीं चलेगी। अज दा नौजवान सियाणा हो चुक्या, उह नौजवान जानना चाहुंदा केजरीवाल साहब तों कि तुसीं किसानां दे सच्चे हमदर्द सी तां तुहाडे सामने इक किसान तड़पदा मर गया, तुसीं उहदी सार क्यों नहीं लई? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। हाँ जी, आज दाना मंडी विखे अरविंद केजरीवाल आया हुआ सी आम पार्टी का। उस विच एक आम पार्टी का आगू मैनू कवरेज करते समय तो धक्को मारे धक्को धक्का मारिया तो धक्का मार के गाला कढ़न लग गया तो कैमरा खोल के उन्हें पुछ। मौके ते पुलिस वाले मौजूद सी, अधिकारियों दे समेत उन्होंने की कार्रवाई की? मौके ते मतलब पुलिस वाले से जेड़े केरा था उन्हें छड़ता जी। जो मैं मीडिया मतलब अपने भाईचारे ने आके जोर पाया उदो फट के शराब ए पीती। की होना चाहिए?
ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ, दिल्ली को लोगों ने तो देश की राजनीति बदल दी थी। दिल्ली के लोगों ने पिछले साल इतिहास रचा था। 70 में से 67 सीट आई थी। आज तक कभी भारत के इतिहास में नहीं आई 70 में से 67 सीट। एक साल पुरानी पार्टी और 70 में से 67 सीट, कैसे हुआ ये चमत्कार? ऊपर वाले का, भाई गुरु जी का चमत्कार है, ऊपर वाले का चमत्कार है, नहीं तो आज तक कभी नहीं हुआ। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। अब ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। अब पंजाब के अंदर झाड़ू चलेगी, पहले दिल्ली के अंदर झाड़ू चली थी। पहले दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट आई थी, इस बार 117 में से कितनी आएगी? 117। कल मैं किसी पत्रकार से बात कर रहा था, मैंने कहा जी कितनी सीट आएंगी, बोले आज अगर चुनाव हो जाए, पंजाब में इतना जबरदस्त माहौल है, आज अगर चुनाव हो जाए तो 117 में से 100 आएंगी। तो अगले एक साल के अंदर वो बाकी 17 भी लेनी है, 17 भी नहीं छोड़नी हम लोगों को। सारी की सारी कई गांव में गया, लोगों से पूछा, बोले जी आज तक कोई मुख्यमंत्री तक एमएलए भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, कोई पटवारी भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब का किसान कितना खुशहाल माना जाता था, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने के लिए नहीं गया। दोस्तों, अपने को ऐसा पंजाब बनाना है, अगली साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे पंजाब के अंदर, एक भी किसान को आत्महत्या। जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने करप्शन खत्म कर दिया दिल्ली में, ऐसे पंजाब के अंदर अपने को सबको मिलकर करप्शन खत्म करना है पंजाब के अंदर। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हम पकड़ आदमी है। एक साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, एक पैसा नहीं कमाया मैंने, कोई करप्शन नहीं किया, एक पैसा नहीं हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको वोट मांगने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अच्छे पंजाब के लिए। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जितने लोग खड़े हैं, एक एक आदमी को 100-100 वोट की जिम्मेदारी लेनी है। अपने पिंड विच जाओ, अपने रिश्तेदारों से बात करो, फोन पे बात करो, और सबको बोलो कि इस बार झाड़ू के ऊपर बटन दबाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियो जंग।